DainikBhaskar.com presents The Visionaries. A musician, a poet, a writer, an educationalist, an artist. Aur in sabhi khubiyon ke saath ek safal entrepreneur, Mr. Santosh Choubey. The Visionaries. AISECT, AISECT Group, देश की उन चुनिंदा अग्रणी संस्थाओं में से है जिन्होंने देश में तकनीकी शिक्षा के प्रसार में अहम योगदान दिया है। न सिर्फ शिक्षा बल्कि उससे भी आगे बढ़ते हुए AISECT ग्रुप ने देश के युवाओं को रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों से जोड़कर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 30 वर्षों से अधिक समय से निरंतर अपने उद्देश्य एजुकेशन, एम्पावरमेंट एंड एंटरप्राइज के साथ आगे बढ़ते हुए AISECT ने आज लगभग पूरे हिंदुस्तान में अपनी मौजूदगी कायम की है और इस इनोवेटिव और पाथ ब्रेकिंग संस्था के पीछे है श्री संतोष चौबे। मैं मध्य प्रदेश के खंडवा जैसे छोटे शहर में पैदा हुआ और खंडवा उस समय 1955 की बात है एक साहित्यिक सांस्कृतिक केंद्र था और पिताजी वहाँ प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट स्कूल में। बड़े इनोवेटिव आदमी थे, खुद साहित्यकार भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। खंडवा के मल्टीपर्पज़ स्कूल में एक बहुत अच्छा पुस्तकालय था जो कि दादा ने बनाया था, इज़ अ ग्रेट लाइब्रेरी। तो सारे इंडियन क्लासिक्स, सारे इंटरनेशनल क्लासिक्स आपको उस समय भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने मिल जाते थे, तो वो भी एक बहुत बड़ा एसेट था। मुझे बचपन में एक बार टाइफाइड हो गया था और वो टाइफाइड रिलैप्स भी हो गया था, पर उसका भी दादा ने इस तरह से यूज़ किया कि मुझे बहुत सारी किताबें भेंट की और मेरी पढ़ने की हैबिट वहाँ बन गई। एक शिक्षक व लेखक पिता, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों वाला शहर और ढेर सारी पुस्तकें, श्री संतोष चौबे जी का बचपन उनके आज के प्रभावी व्यक्तित्व की नींव था। उनके पिता उनके जीवन के मूल प्रेरणाकार हैं। दादा मुझे अक्सर अपने स्कूल के पुस्तकालय में ले जाते थे और उनकी जो किताबों की जो खुशबू है, किताबों का जो फ्लेवर है और अपने तौर पर किताब निकाल के एक नई किताब पढ़ने का, जो जैसे डेविड कॉपरफील्ड था उस समय या एलिस इन वंडरलैंड था या ऐसी किताबें जो चिल्ड्रंस क्लासेस कही जाती हैं, उस समय मैंने वो किताबें सारी पढ़ी और एक तरह का इमेजिनेटिव क्रिएटिव वर्ल्ड अपने आसपास बनना शुरू हुआ। मुझे लगता है कि वही वर्ल्ड है जिसको मैं कैरी करता हूँ आगे भी और वो मेरे दिल में लगातार बना रहा, उसका बहुत फ़ायदा मुझे हुआ आगे। संतोष जी के जीवन का अगला अहम पड़ाव था भोपाल। खंडवा के बाद हम लोग भोपाल आ गए थे और मेरी आगे की स्कूलिंग भोपाल के मॉडल स्कूल में हुई। मॉडल स्कूल में मेरा जो ग्रूमिंग है वो यहाँ के साहित्यकारों के बीच में, यानी शरद जोशी थे, दुष्यंत कुमार थे और ये सारे लोग घर पे आते जाते थे। मॉडल स्कूल की खासियत ये थी कि वहाँ टीचर्स बहुत अच्छे थे और उन सब का प्रेम भी मेरे ऊपर था। मॉडल स्कूल में रहते हुए ही मैंने म्यूज़िक पर भी अपना इंटरेस्ट दिखाया और मैं बहुत अच्छा जलतरंग वादक बन गया। तो मॉडल स्कूल में रहते हुए साहित्य और संगीत दोनों से मेरा प्रेम जो है थोड़ा और गहरा हुआ। इन हैबिट्स को लेके ही मैं कॉलेज में पहुंचा और कॉलेज जो था हमारे यहाँ का मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा कॉलेज था, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था उस समय, उसको MACT कहते थे, बाद में उसे मैनिट कहा जाने लगा। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच चुनी और इलेक्ट्रॉनिक्स से बाद में BE किया। साहित्य और संगीत के रुझान के साथ साथ ही संतोष चौबे जी ने अपनी शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया। फिजिक्स मेरा प्रिय सब्जेक्ट था और मेरे दिमाग में लगभग तय था कि मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना है और मैंने इंजीनियरिंग को ही अपना मेन वो चुना था। 11th का एक बड़ी घटना है जिसमें कि मैं स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट चुना गया था और उस समय भी जलतरंग के जो कॉम्पिटिशन्स होते थे, इस समय मैंने जलतरंग बजाना शुरू कर दिया था 9th, 10th, 11th में और इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में और भोपाल की प्रतियोगिताओं में अक्सर जाता था। तो 11th तक मुझे लगता है कि माय पर्सनालिटी वाज ग्रूम्ड, आई वाज अ बिट ऑफ
music in my mind. I had a bit of literature in my mind. I wanted to be engineer. इंजीनियरिंग के दौरान ही संतोष जी का रंगमंच की ओर भी रुझान बढ़ा. साथ ही उन्होंने डिबेट, कॉलेज मैगजीन एडिटर और खेलों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. कॉलेज के दिनों से ही उन्होंने अपने आप को आत्मनिर्भर बना लिया था. मेरा पूरा अध्ययन स्कूल में हो या कॉलेज में हो, कभी भी घर पर फाइनेंशियल डिपेंडेंट होके नहीं हुआ. आई नेवर टुक एनी मनी फ्रॉम देम बिकॉज़ आई वाज गेटिंग अ स्कॉलरशिप. कुछ रेडियो वगैरह पे भी जाता था उस समय, रेडियो पे जाता था तो उसका भी कुछ पैसा मुझे मिलता था, और कभी कभी अखबारों में थोड़ा बहुत लिखता था उसका भी. इट यूज़ टू बी ओनली 15 रुपीज़ और 10 रुपीज़ और 20 रुपीज़, पर उस समय वो एक बड़ा अमाउंट होता था. और आई वॉज एबल टू सपोर्ट माई सेल्फ, और मुझे थोड़ा एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी लगता था कि मैं अपना पैसा खुद अर्न करूँ. कॉलेज और बचपन की सुखद स्मृति के साथ आगे बढ़ते इस नव युवक की लाइफ में एक नया मोड़ तब आया जब उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया. मुझे लगता था कि जीवन जैसे अच्छा चलता रहा वैसे चलेगा, लेकिन अंतिम दिनों में जब मैं फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे रहा था और परीक्षा के दौरान ही अचानक फादर को ब्रेन हैमरेज हुआ, और दो तीन दिन वो अस्पताल में रहे, उनकी डेथ हो गई. ये मेरे लिए एक बहुत कठिन समय था, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मध्यवर्गीय परिवार था और बहुत ज़्यादा सपोर्ट पीछे नहीं था. मैं स्वयं ही अपना काम चलाया करता था, और इसके बाद जो मेरे वैकल्पिक विचार थे उनके लिए कोई जगह नहीं रह गई थी कि क्या मैं म्यूज़िक ले लूँ या मैं साहित्य में चला जाऊँ, जो कि मेरे मन के ड्राइव भी थे. तो एक बात तो तय हुई कि मुझे तत्काल कोई नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि परिवार था अपनी जगह पर. तो मैंने सोचा कि मुझे पहले तो नौकरी करनी चाहिए. हालांकि एक बात और भी थी, वो ये थी कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने की भी इच्छा मेरे मन में थी. तो ये सारी इच्छाएं इसलिए पीछे चली गई क्योंकि घर में सबसे पहले एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए था, और मैंने जॉब ज्वाइन करना तय किया. पहले कुछ महीने एक साल तक ज्योति में रहा, और बाद में मेरा सिलेक्शन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में हो गया, तो मैं BEL गाजियाबाद में चला गया था. इन नई परिस्थितियों में संतोष जी ने व्यवहारिक ज्ञान और रिसर्च पर पूरा फोकस लगाया. फैक्ट्री में एक अच्छी बात हुई वो ये कि मैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट को, फैक्ट्री की प्रोडक्शन प्रोसेसेस को, और एक सबसे अच्छी बात बताऊं कि नॉलेज जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स में होता है, ये बात मुझे फैक्ट्री में जाके समझ में आया. क्योंकि कोई भी बड़ा इक्विपमेंट जब बनता है तो उसको अलग अलग ब्लॉक्स में बनाया जाता है, वो ब्लॉक्स को छोटे छोटे पुर्जों में बनाया जाता है और उसे असेंबल करके एक बड़ा इक्विपमेंट बनता है. उसकी मैंने एनालॉजी जो है अपने जीवन में ये खोजी कि प्रत्येक चीज़ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. नॉलेज के भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, घरों के भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और इक्विपमेंट के भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. आपको याद है कि बच्चों को वो एक खेल खिलाया जाता है बचपन में, जो छोटे छोटे पीसेज होते हैं, इससे घर बनाओ या इससे कुछ और चीज़ बनाओ. उसका जो अंतरधारा है वो आपको मुश्किल से समझ में आती है. यदि वो समझ में आए तो आप अपने जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स बना सकते हैं. वो कॉन्फिडेंस मुझे फैक्ट्री में प्राप्त हुआ. दिल्ली की गहमा गहमी, इमरजेंसी का दौर और कुछ अलग करने की चाह ने संतोष जी के लिए एक प्रेरणा का काम किया. आई वॉज स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, और मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी. जो भी मेरे पास फाइनेंसेस थे उसमें घर भी सस्टेन करूँ और मैं भी सस्टेन हूँ, ये लगातार बनाए रखा. इसी दौरान मैं IAS एग्ज़ाम में भी बैठा, तो 82 में आई गॉट थ्रू दी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स, एंड दैट ऑल्सो गेव मी कॉन्फिडेंस. लेकिन वंस अगेन हियर वॉज द चॉइस वेदर यू वॉन्ट टू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटर और यू वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी. एंड यहाँ पर मेरा सबसे जीवन का बड़ा निर्णय था. मैंने IAS को छोड़ा, मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज को छोड़ा, और आई रिमेन विद दी सोशल इनपुट, सोशल मोटिवेशन. और आखिरकार संतोष जी के लाइफ का वो मुकाम आया जहां लिया उनका डिसीजन उनकी पूरी लाइफ को चेंज करने वाला था. श्री PN हक्सर, जो इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी हुआ करते थे, उन्होंने दिल्ली में एक दिल्ली साइंस फोरम की स्थापना की थी, एंड आई वाज अ फाउंडर मेंबर ऑफ दिल्ली साइंस फोरम. आई थिंक दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, वेयर आगे क्या करूँगा ये तय हुआ कि मैं प्रशासन में नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा विज्ञान के प्रचार प्रसार में, शिक्षा के प्रचार प्रसार में, और ये भी काम छोटे शहरों में या कि जिला हेडक्वार्टर्स पे जाके करूँगा.
और दैट वाज द पॉइंट वेयर आई डिसाइडेड दैट आई मस्ट मूव बैक टू भोपाल। भोपाल वापसी पर श्री संतोष चौबे एक अलग इंसान थे। जहां दिल्ली के 8 साल का उन पर खासा प्रभाव था, वहीं भोपाल में वे एक कंसल्टेंसी फर्म से जुड़े। इस काम ने उन्हें बिजनेस की तमाम बारीकियों से रूबरू कराया। 87-88 में मुझे लगता है कि मैं शायद आउटग्रू माई जॉब, तो आई फॉर्म्ड एन एनजीओ कॉल्ड सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इसका मूल ऑब्जेक्टिव ये था कि आप हिंदी में किताबों का निर्माण करें और हिंदी में लोगों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाने लिखाने का काम शुरू करें। ये विचार मेरे मन में इस तरह आया कि जब मैं साइंस मूवमेंट में काम करता था तो मुझे लगा कि जो अपने ग्रामीण लोग, जिनको माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ने में रुचि नहीं रखते या कि टेक्नोलॉजी में रुचि नहीं रखते, मुझे लगा कि द फैक्ट इज़ क्वाइट द कॉन्ट्ररी। यानी लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन अच्छी किताबें नहीं हैं, लोग सीखना चाहते हैं लेकिन कोई इनको बताने वाला नहीं है। और उसी समय लगभग कंप्यूटर्स और सूचना तकनीक का आना हमारे देश में शुरू हुआ था, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे देश में आ रही है, ये देश को बदल देगी, ये आदमियों को भी बदल देगी और इसको मिस नहीं करना चाहिए। 80 के दशक में ही कंप्यूटर व उससे जुड़ी तकनीक के महत्व को समझकर श्री संतोष अगले विजन के साथ आगे बढ़े। इन द 80s इट वॉज अ स्लाइटली फार फेचेड टेक्नोलॉजी, बट आई कुड प्रोबेबली फोरकास्ट कि ये एक ऐसी चीज़ है जो देश के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएगी। और हम लोगों ने मैंने 3-4 मित्रों के साथ मिलके 80s के एंड में, मतलब 87-88 में एक एनजीओ बनाया जो कि आईटी को लोगों तक ले जाने का काम करेगा। इस ऑब्जेक्टिव का लक्ष्य रखा गया था, और हिंदी में मटेरियल तैयार करेगा, ये दूसरा लक्ष्य रखा गया था। तो हिंदी में एक किताब लिखी जो टर्निंग पॉइंट है, ये 87 की बात है, उसका नाम था कंप्यूटर एक परिचय। और पहले ही वर्ष में ये किताब लगभग 1,00,000 कॉपीज़ बिकी। देश में 87 में किसी किताब का 1,00,000 कॉपी बिकना बहुत बड़ी बात है। आगे चलकर ये मिलियंस में किताब बिकी, और इस किताब ने मुझे बताया कि देश में बच्चों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, हिंदी क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी की बहुत डिमांड है, और आप अगर इस काम को आगे बढ़ाते हैं तो आपका धीरे धीरे स्वरूप बदलता जाएगा। एक विजन और एक सोशल नीड से लेकर ये जर्नी शुरुआत बनी सेक्ट की, जो आगे जाके आईसेक्ट में तब्दील हुआ। There was no money to buy computers, so I gathered the students around me, I gathered the unemployed graduates around me. सबने अपना अपना contribution किया सेंटर लगाने के लिए, और एक सेंट्रल नेटवर्क था जो कि परीक्षा का काम करता था, जो किताबें प्रदान करने का काम करता था। ऐसे एक पहला नेटवर्क स्कूल्स में हमने मध्य प्रदेश के बनाया। छत्तीसगढ़ तब अलग नहीं हुआ था, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश मिला के लगभग 120 स्कूल्स में हमने ये नेटवर्क बनाया और आईटी प्रमोशन का काम शुरू किया। जल्द ही ये मुहिम एक बड़े अभियान में तब्दील हो गई, और कई इनोवेटिव आइडियाज के साथ आईसेक्ट के सेंटर्स की संख्या हजारों में पहुंच गई। जब आप स्कूल में जाते हैं और बच्चों के बीच में जाते हैं तो आपकी खबर ऑटोमेटिकली पेरेंट्स तक पहुंच जाती है, और कई जगहों पर पेरेंट्स ने यह कहा कि साहब हम भी इस नई टेक्नोलॉजी को सीखना चाहेंगे। तो हमने शाम के समय और कुछ अवसरों पर स्कूल के बाहर कम्युनिटी सेंटर्स स्थापित करना शुरू किए। ऐसा करते करते मुझे लगता है कि 94-95 तक हमारे करीब 600 ट्रेनिंग सेंटर्स मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्थापित हो गए थे, और तब भारत सरकार ने भी हमें नोट किया। तो उन्होंने कहा कि जो काम आप मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, क्या यह बाहर के राज्यों में भी कर सकते हैं? और 10 राज्यों का एक प्रोजेक्ट मुझे भारत सरकार की ओर से मिला, और ये 10 राज्य नॉर्मली वो थे जो हिंदी राज्य थे, और कुछ साउथ के राज्यों में भी हमने जाकर रिसोर्स सेंटर्स खोले। और वी डिज़ाइन सम वैन्स, मोबाइल वैन्स इन विच कंप्यूटर्स वर फिटेड, सोलर पावर भी उन पर लगाया गया था, और हमने आईटी यात्राएं निकालना शुरू किया जो लगातार 3 वर्षों तक निकली। इन यात्राओं का लक्ष्य होता था कि हम ब्लॉक लेवल तक जाएं, वहां पर लोगों से बात करें और परसुएट करें कि वो हमारे सेंटर वहां पर स्थापित करें। और ये सेंटर ट्रेनिंग का काम करते थे, थोड़ा बहुत डेटा प्रोसेसिंग भी करते थे, और खुद अपने आप में सेल्फ अर्निंग, सेल्फ फाइनेंस सेंटर्स थे। गवर्नमेंट के कोई ग्रांट नहीं लेंगे, ये हमने तय किया था। आईसेक्ट ने अपने सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल के साथ ही
क्लासेस टाइम और फीस में फ्लेक्सिबिलिटी, आईटी यात्राएं और हिंदी पर फोकस रखते हुए जल्द ही नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना ली। 2005 तक मैं एक बहुत अच्छे ट्रेनिंग नेटवर्क को स्थापित कर चुका था। मेरा सोशल मोटिवेशन लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ और मुझे लगता था कि स्किल के साथ साथ हमें शिक्षा पर भी काम शुरू करना चाहिए। नेटवर्क के भीतर की भी ये डिमांड थी कि हमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और उन जगहों पर शुरू करना चाहिए जहां पर कि अब तक नहीं पहुंचे। तो इसके तहत हमने डॉक्टर सी वी रमन विश्वविद्यालय की स्थापना करी जो कि बिलासपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर है, ग्रामीण क्षेत्र में है, आदिवासी क्षेत्र में है और बिल्कुल अलग तरह से उच्च शिक्षा जो हमारी अपनी भाषा में होगी, टेक्नोलॉजी जो हमारी अपनी भाषा में होगी, मैनेजमेंट प्रबंधन जो हमारी भाषा में होगा, आईटी स्किल्स जो लोगों की वहाँ की डिमांड थी इनको देना हमने सी वी रमन विश्वविद्यालय में शुरू किया। और ये विश्वविद्यालय हमारा पहला विश्वविद्यालय था जो नेटवर्क की डिमांड भी पूरी करता था और लोकल डिमांड भी पूरी करता था। ये इससे मुझे बहुत संतोष और बहुत खुशी हुई जब ये विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। ये सेंट्रल इंडिया का पहला विश्वविद्यालय है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ और बिलासपुर के आदिवासी अंचल में स्थापित हुआ। जब ये एक बार चलने लगा तो हमें मालूम पड़ा कि उच्च शिक्षा की भी उतनी ही डिमांड है नीचे जितनी स्किल की है। और फिर हमने दूसरे विश्वविद्यालय के बारे में सोचा जो भोपाल के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया गया है और आईसेक विश्वविद्यालय हमारा दूसरा विश्वविद्यालय है जो 2010 में स्थापित हुआ। इस बीच में इंजीनियरिंग कॉलेजेस और शैक्षिक संस्थान और बीएड जैसे संस्थान भी हमने स्थापित किए और ये सभी संस्थान एक मूल मोटिव से स्टार्ट किए गए। पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है बल्कि आपको लोगों की सेवा करने का उद्देश्य है। आपका काम है कि बच्चों तक शिक्षा पहुँचे और बच्चा उसमें शामिल हो और ग्रामीण और आदिवासी बच्चा शामिल हो, ये इसका मूल उद्देश्य है। उच्च शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटीज की स्थापना के साथ साथ ही आईसेक्ट ने अपने सेंटर्स के माध्यम से कई अन्य सेवाओं जैसे बैंकिंग, डाटा मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग आदि काम भी शुरू किए। अपने यूनिक मॉडल के लिए आईसेक्ट को कई तरह के रिकॉग्निशन और अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अपने सामाजिक योगदान के साथ ही श्री संतोष चौबे कला के क्षेत्र में भी उतने ही सक्रिय हैं। श्री संतोष चौबे की कई पुस्तकों का प्रकाशन भी हुआ है। वे कविताएं एवं कहानियां लिखना भी निरंतर जारी रखे हैं। साथ ही शिक्षा के प्रसार के लिए भी उनकी काफी योजनाएं हैं। और हम लोग अगला विश्वविद्यालय बिहार में और उसके बाद झारखंड में और उसके बाद गुजरात में बनाने का जज्बा रखते हैं। हमारी टीम बहुत अच्छी है और मैं यहाँ पर अपनी टीम को ज़रूर एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। पता नहीं ऐसी कोई बात होगी कि वो मेरे साथ रहते हैं तो काम करते रहते हैं। हम लोग कोई बहुत ज़्यादा सैलरीज भी पहले नहीं देते थे पर शायद वो आनंद की बात है जो उनके मन में है कि मेरे साथ काम करते करते वो आगे जाते हैं। एक बहुत अच्छा फॉर्मूला मैंने बनाया है, यदि आप पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ जाएंगे तो आप पॉजिटिव बने रहेंगे, अगर आप नेगेटिव ऊर्जा की तरफ जाएंगे तो आप नेगेटिव बनेंगे। तो मैं तो चुन लेता हूँ कि कहाँ पॉजिटिव ऊर्जा है वहाँ जाता हूँ और सच्चाई के साथ खड़ा रहता हूँ। अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू विन। संतोष जी ने ना सिर्फ सामाजिक क्षेत्रों में सफलता हासिल की बल्कि अपने अंदर के कलाकार को भी जिंदा रखा। उनकी ये सफलता हम सबको अपने सपनों के साथ निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। खिड़की खोली तो मिली आम के पत्तों के पीछे दुबकी हरी धूप। बहुत से काम थे मुझे सुबह से शाम तक, तभी घुसाई उचक कर खिड़की से हरी धूप और धूप के साथ रंग बिरंगे चित्र और चित्रों के साथ गुनगुनी यादें और यादों के साथ उड़ने की इच्छा, तालाब, पेड़, मंदिर, कच्ची कैरियाँ, खिलखिल हंसी, लंबी सड़क और समयहीनता। सोचा मैंने कभी कभी काम नहीं भी करना चाहिए आगे काम करते रहने के लिए। एक सामाजिक जरूरत को पहचान ग्रामीण लोगों तक शिक्षा को पहुंचाने के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे श्री संतोष चौबे को उनके द्वारा शुरू की गई इस तकनीकी क्रांति के लिए हमारा सलाम। द विजनरीज।